आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पुणे जिले में जीका वायरस की रफ्तार कम होने का नहीं ले रहा है नाम। शहर में एक ही दिन में 7 नए मामले किए गए दर्ज। जीका वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 73। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने पुणे और सातारा जिले में दी चेतावनी। IMD के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक हो सकती है जोरदार बारिश। मुंबई के कॉलेज में हिजाब बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। मुंबई के चेंबूर कॉलेज द्वारा बुरका हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका। महाराष्ट्र गृह निर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी म्हाडा की ओर से मुंबई बोर्ड के 2030 घरों की लॉटरी 13 सितंबर को होगी जारी। लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 9 अगस्त की दोपहर 12 बजे से आवेदक ऑनलाइन कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। इस लॉटरी प्रक्रिया के तहत गोरेगांव, अंटाप हिल, वडाला, कोपली, पवई, कन्नमवार, नगर विक्रोली, शिवधाम कॉम्प्लेक्स, मालाड़ के घरों को किया गया शामिल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, इनमें स्वतंत्रता दिवस से लेकर बिना इजाजत पेड़ काटने पर ₹50,000 का जुर्माना लगाने को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले पर लगाए गए मोहर। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी रहे मौजूद। NCP प्रमुख अजित पवार की जन सम्मान यात्रा की हुई शुरुआत। गुलाबी जैकेट पहनकर निकले अजित पवार। महाराष्ट्र में 24 घंटे घूमेंगी NCP की गुलाबी रंग की बस। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। एक साथ पूरा परिवार खा रहा था खाना, तभी अचानक भर भरा कर गिरी छत। हादसे में एक मासूम बच्ची समेत परिवार के 6 सदस्य मलबे में दबे। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से सनसनीखेज मामला आया सामने। यहां पत्नी और ससुर ने मिलकर युवक को पहले बिजली के खंभे से बांधा, फिर की युवक की पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की आगे की जांच। जापान के दक्षिण तट पर भूकंप के झटके किए गए महसूस। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.9 से अधिक मापी गई। जापान मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की सुनामी की चेतावनी। बिहार के नवादा जिले से दर्दनाक घटना आई सामने। बिजली गिरने से 6 लोगों की हुई मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पेरिस ओलंपिक 2024 में डिस्क्वालीफाई होने के बाद भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने का किया ऐलान। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्सपर्ट पर पोस्ट कर लिखा, माँ कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई, मुझे माफ करना। सर्राफा बाजार से आई गुड न्यूज। लगातार दूसरे दिन यूपी के वाराणसी में सोने चांदी की कीमत में आई कमी। सोने की कीमत 440 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिरी, वहीं चांदी की कीमत में भी 500 प्रति किलो की आई गिरावट। 24 कैरेट सोने की कीमत 440 रुपए टूटकर 59,420 रुपए प्रति ग्राम हुआ। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से CM अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत। उनकी न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ी। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें कोर्ट में किया गया था पेश। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले के लिए आज उतरेगी मैदान में, जहां उनका मुकाबला होगा स्पेन से। वहीं पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक स्पेन पर भारी पड़ सकती है टीम इंडिया। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म खेल खेल में भी इन दिनों काफी चर्चा में है। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। वहीं आज बॉलीवुड के खिलाड़ी ने हाजी अली दरगाह को दान किया 1,21,00,000 रुपए। पेरिस ओलंपिक में देखने मिलेगी आज भारत पाकिस्तान की टक्कर। ये टक्कर देखने मिलेगी मैन जेवलिन थ्रो के फाइनल में, जहां भारत के नीरज चोपड़ा के सामने पाकिस्तान के अरशद नदीम चुनौती करेंगे पेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अगस्त की द्विमासिक मौद्रिक नीति की पेश। केंद्रीय बजट ने रेपो रेट को लगातार 9वीं बार 6.5% पर यथावत रखा। इस तरह जिन लोगों को होम लोन की EMI कम होने की थी उम्मीद, फिलहाल उन्हें लगा बड़ा झटका। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों के होम लोन टॉपअप कराने के ट्रेंड पर जताई चिंता। देश और दुनिया में बढ़ती मंदी के बीच एक हैरान करने वाली जानकारी आई सामने। दरअसल देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में हुई कॉस्ट कटिंग। कंपनी ने अपने एनुअल जनरल रिपोर्ट में दी इसकी जानकारी। मोदी सरकार ने आज लोकसभा में पेश किया वक्फ संशोधन बिल। विपक्ष ने एक आवाज में इस बिल का विरोध करते हुए जमकर किया हंगामा।
सदन की कार्रवाई के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच तीखी बहस सुनने को मिली। कर्नाटक के कोलार जिले से आई दिल को दहला देने वाली घटना, जहां नए नवेले शादीशुदा जोड़े के बीच हुआ झगड़ा। इस झगड़े ने ऐसा भयानक रूप लिया कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मृतिका की पहचान 19 वर्षीय लिखिता के रूप में हुई और आरोपी की पहचान 27 वर्षीय नवीन के रूप में हुई। विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने का मुद्दा संसद में गरमाया। राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर मचा हंगामा। विपक्ष की नारेबाजी पर भड़के सभापति जगदीप धनखड़, विपक्ष पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, सभापति के पद को दी जा रही है चुनौती। भारतीय शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश को दिलाया कांस्य पदक। मनु भाकर ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से की मुलाकात। इस दौरान मनु भाकर को दिया गया 30 लाख रुपए का प्राइज मनी। सोशल मीडिया पर दी गई इसकी जानकारी। भारतीय रेसलर अमन शेहरावत ने किया शानदार प्रदर्शन। यूरोपीय चैंपियन व्लादिमीर एगोरोव को 10-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। अमन ने शुरुआत में ही बढ़त बना ली और इसे आखिरी तक रखा बरकरार। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में जीता ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस से भारत लौटे स्वप्निल का पुणे हवाई अड्डे पर हुआ जोरदार स्वागत। कांस्य पदक विजेता ने महाराष्ट्र के दगड़ूशेठ गणपति मंदिर के किए दर्शन। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इन24 न्यूज से। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।